नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो विजिट है वो है रामपुर पावटी गांव में, जहां पर एक सफल पशुपालक अपना पशुपालन करते हैं भैंसों का, और वो दो तीन भैंसों से अच्छी कमाई जो है कर रहे हैं। यहाँ शहर के नज़दीक इनका मकान है और जो दूध है वो 80 रुपये प्रति लीटर इनका जो है दूध जाता है। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये नस्ल सुधार पर भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इनकी भैंस की जो ब्रीडिंग है वो कैसी है और जो बच्चा उसका जो आया है वो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ से हम जो है सबसे पहले ये जो ब्लैक डायमंड, काला सोना जो जिसको बोला जाता है, ये पशुधन जो है इनका अच्छा बैठा है। यहाँ थोड़ी धीमी धीमी बारिश, और इस बारिश के मौसम में ये लुफ्त उठाते हुए इधर, अब समय की अनुपलब्धता के चलते चलते हैं इधर। इधर इनके पास एक छोटा बछड़ा है और ये इनके पास भैंस है। आप इस भैंस की नस्ल आप देख सकते हैं, इस भैंस की ये देसी भैंस है, देसी नस्ल की भैंस है। तो चलिए अब मिलते हैं मिस्टर रिंकू जी से। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, ये बताइए कि ये जो भैंस है आपकी, तो ये कितना दूध देती है? ये 12 लीटर देती है। 12 लीटर दूध इसने दिया है। ये देसी ब्रीड की है? कहाँ से? आपने गांव से ली थी या फिर कहीं बाहर से ली थी? बाहर से ली थी। बागपत की साइड से। कितने रुपए की ली थी उस टाइम पे? ली थी 72 की। 72,000 की इसका पहला ब्याह यहाँ है। और लगभग जो दूध का जो मूल्य है अभी, वो किस रेट में जाता है यहाँ से? यहाँ पे जा रहा है रेट इसका 72 का रेट चल रहा है अभी। 80 बता रहा, 80 रुपए लीटर बताया था ना आपने? हाँ, 80। अच्छा, गांव में 72, और अगर शहर का कोई आता है यहीं से ले जाते हैं, गांव से ही लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहीं से लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर 80 रुपए लीटर आपकी भैंस का दूध जाता है तो उसका कितना अच्छा एक फायदा होता है। उधर इनके पास एक देसी गाय भी है। अभी हम समय ना गवाते हुए चलते हैं उस ब्रीड के ऊपर, जो ब्रीड इन्होंने जो है डलवाया है अपनी भैंसे, और उसका रिजल्ट। तो दोस्तों ये देखिए, इसको उठाना जरा, ये देखिए एक तरह से मुर्रा नस्ल का जो है ये कटड़ा है, कटिया है, कटिया। आप देख सकते हैं इसकी, और इधर भैंस देख सकते हैं आप, और इधर जो ब्रीडिंग है उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसको उठाना एक बार जरा, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल मुर्रा नस्ल की कटिया। और कितने दिन हुए इसको ब्याह? तीन दिन की ब्याही हुई है, और आप चेहरा ब्रीडिंग इसको देख सकते हैं। तो नस्ल सुधार अगर आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ब्रीड पर ध्यान देना होगा। तो ये कौन सा, युवराज का है सीमन? तो ये जो सीमन इन्होंने लगवाया है, युवराज का लगवाया था, और जो डॉक्टर ने जो दिया था 500 रुपये एक्स्ट्रा इसका दिया था, और उसका रिजल्ट भी इन्होंने पाया है। और ये बछड़ी है, कटिया है, आप देख सकते हैं, मात्र 3 दिन की, और बहुत अच्छा और सुडोल शरीर बॉडी। तो ब्रीडिंग जो है कहीं ना कहीं जो है अवश्य ही काम करती है। और आप अगर देखेंगे इधर, आप देखें तो इधर जो ये केवल देसी नस्ल की ये जो है भैंस है, और इसका जो रिजल्ट जो आया है वो बहुत ही उत्तम, आपको मैं दिखा दूं, बहुत उम्दा रिजल्ट है। ये वीडियो मैं अपने किसान भाइयों के लिए इसलिए शूट कर रहा हूं कि जिससे कि वो ये जान सके कि ब्रीडिंग वास्तव में ही काम करती है। और एक ना एक जो कटिया है ये हर वर्ष 50,000 की या तो कटिया ये कटड़ा आराम से सेल आउट कर देते हैं, और करीब करीब जो है महीने का करीब करीब 20,000 से 22,000 रुपए का ये दूध बेचते हैं, क्योंकि प्राइस इतना बेहतरीन है और शहर के नज़दीक है। तो बहुत अच्छा जो है इनका इनकम भी है, और ब्रीडिंग पर जो इन्होंने काम किया है वो बड़ा ही अच्छा काम किया है। आप यदि आप अडर यहाँ देखें तो भैंस का अडर इतना कुछ खास ज़्यादा है नहीं,
क्वालिटी जो है वो केवल आप देखेंगे केवल कटिया में जो है क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। तो सर आप ये बताएंगे कि आपने जो ब्रीडिंग कराई थी वो कैसे कराई थी? हाँ, कैसे कैसे जानकारी मिली आपको? हमारे यहाँ अपना एक डॉक्टर रहेगा जिसे हम बुलाते हैं। अच्छा, वही पहले से ही यहाँ आता है पशुओं के लिए। अच्छा, तो उनसे आपने बोला था कि स्पेशल? हाँ, स्पेशल कही थी, मगर थोड़ा स्पेशल इसका डालो थोड़ा पशुओं के लिए। हाँ, ये अपना ये लिखना है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत ही उम्दा, जिसकी मैं वीडियो बनाने के लिए बड़ी दूर से मतलब यहाँ पर आया हूँ। और आप देख सकते हैं इधर रिजल्ट जो है वो वास्तव में ही काबिले तारीफ है। और इधर जो है इनके ये दो हीरे बैठे हैं, दोनों एक भैंस है और एक कटिया है। तो ये मंथली जो है दो तीन पशुओं से आराम से 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं, और साल में करीब करीब 2 से 3 जो है कटिया सेल आउट भी कर देते हैं, कटिया हो या कटरा हो। अभी दो इधर हैं, एक इधर है, और एक इन्होंने जो है देसी नस्ल की ये बछड़ी पाली हुई है अपने घर के लिए, बाकी भैंस का ही दूध ये सेल आउट करते हैं। तो आपको पशुपालन में कोई दिक्कत कोई समस्या आती है? सब बढ़िया। कुछ नहीं। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के, भाई पशु रखने चाहिए या नहीं? पशु रखने चाहिए, अच्छा है पशु रखना, पशु रखना अच्छा है। तो मतलब जो युवा पीढ़ी है उसे युवा पीढ़ी को रखना चाहिए, आने वाले समय पर नहीं मिल पाएगा दूध, मतलब किसी की नौकरी करने से बेहतर है अपना ही काम ठीक रहेगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ दूध के जो रेट हैं उसके हिसाब से हाँ जी, एक आदमी करीब करीब 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकता है 10 भैंसों से। जी है ना जी, तो कमा लेगा कम। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि तीन पशुओं से अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में आपसे फिर से जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो सर नमस्कार, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। आपकी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।